एक लिख रहा है चुप हो जाओ सर, तेरे पापा को भी ऐसा ही बोलता है क्या तू? है कमीज नहीं है क्या तेरे में बात करने की? अपने घर पे पापा को भी ऐसा ही बोलता होगा तू? कुछ बता रहे होंगे उस वक्त, बोलता होगा चुप हो जाओ पापा, ऐसे ही बोलते हो? ऐसे ही बोलते हो घर पे मम्मी पापा को भी? तो जो घर पे, मैं तो यहाँ जानता हूँ, यहाँ जो बोलते हैं ना, यहाँ जो बोलते हैं वो अपने घर पे मम्मी पापा को भी ऐसे ही बोलते हैं कि चुप हो जाओ पापा, चुप हो जाओ मम्मी, बोलते होंगे, हो सकता हो इनको ऐसे ही सिखाया हो। बेटा मेरे से पंगे मत लेना, मेरे से पंगे मत लेना, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है ना? चलो खैर छोड़ो, तमीज से बात करो, नहीं करनी मत करो, नहीं पढ़ना है मोबाइल तुम्हारे हाथ में, बंद करो उसको, मेरे हाथ में थोड़ी है, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा मोबाइल भी है और तुम्हारा फ्यूचर भी है, दोनों को बंद कर दो। तुम्हारे हाथ में तुम्हारा मोबाइल और तुम्हारा फ्यूचर दोनों है, दोनों को स्विच ऑफ कर दो, दोनों एक साथ स्विच ऑफ हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, दोनों स्विच ऑफ हो जाएंगे, कर दो, है ना? मुझे चुप करना है, अपना मोबाइल बंद कर ले, मुझे चुप करना है, अपना मोबाइल बंद कर ले, आराम से बैठ जा, फिर मोहल्ले वालों को भी चुप कर लेना, जब तेरे को वो देंगे कि इतने साल पढ़ाई करी कुछ नहीं हुआ इसका, उनको भी चुप कर लेना फिर, ठीक है ना? इसने दूसरा ड्रॉप किया, तीसरा ड्रॉप किया, ड्रॉप करते करते बूढ़ा हो गया लेकिन फिर भी नहीं हुआ, है ना? इसलिए बेटा मेरे से नहीं है ना, मुझे गुस्सा नहीं आता है, पर बेइज्जती बहुत गंदी मारता हूँ, ये ध्यान रखना, गुस्सा नहीं आता है, बेइज्जती बहुत गंदी मारता हूँ, ऑफलाइन में तो बच्चे को खड़ा करके बेइज्जती करता हूँ। तुम्हारी तो किस्मत है कि तुम मेरे सामने नहीं हो, तुम्हारी तो किस्मत है कि तुम मेरे सामने नहीं हो, बेइज्जती तो बहुत बड़ी करता हूँ मैं, खुद की भी करता हूँ, हंसना चाहिए, और दूसरे की भी करता हूँ, हंसो। हाँ तो इस तरह से बात ना करें, तमीज से बात करें, आपको आपस में जो बोलना है बोले, मेरे से तमीज से बात करें, अदरवाइज मेरी क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है। मैं उनको पढ़ाऊंगा जो पढ़ना चाहते हैं, उनको कभी नहीं पढ़ाऊंगा जो पढ़ना नहीं चाहते, वो यहाँ आके माहौल खराब करते हैं सिर्फ। हाँ जी चलिए बताओ, कार्बोनेट